अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है अररिया एमएम न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, दिल्ली एमसीडी चुनाव में मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक प्रत्याशी 300 वोटों से आगे चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, बिरजपुरी से मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी 300 वोटों से आगे। इस दिल्ली की जो हुकूमत रही 15 साल तो लगातार कांग्रेस की रही और 8 साल अब अरविंद केजरीवाल के हो गए। ये दो लोग ही तो आके वोट कदम भरते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी से तो आपको क्या शिकायत होगी, वो तो आपके खुले दुश्मन है, वो आपके वजूद के दुश्मन है। लेकिन ये दोनों पार्टियां तो आपका वोट लेती हैं, आपके वोट से इकतदार में आती है। आखिर इन्होंने जो अपना पीठ और अपना दम भरती है कि हमने शिक्षा पे बहुत बड़ा काम किया है। अगर बड़ा काम किया है तो बताओ वो कौन सी मुस्लिम विधानसभा है जहाँ पे 37 स्कूल है। आज मैं बताता हूँ आपको, ओखला विधानसभा जो दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक है, वहाँ पे भी 6 और 7 स्कूल है। अगर आप मुस्तफाबाद में चले जाओ तो सिर्फ 2 स्कूल है। आप सीलमपुर में चले जाओ तो उसमें भी 7 से 8 स्कूल है। आप बल्ली मारन का हाल आप जानते होंगे और जामा मस्जिद का भी हाल आपसे छुपा नहीं है। सच्चाई ये है कि शिक्षा के मामले में आपके यहाँ कोई सरकारी सुविधा नहीं है।